हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, अपने मायके में हूँ मैं। और मैं जा रही हूँ पशुओं को चराने, धार को। हमारे यहाँ को धार में ले जाते हैं पशुओं को चराने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको लेने, क्योंकि मैं घर में बेली थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चल जाती हूँ इनको लेके। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपनी धार, बहुत ही सुंदर जगह है वो। और दिखाऊंगी मैं आप में, मतलब यहाँ के पशु देखना, मैं दिखाती हूँ आपको कितने। अभी सड़क में पहुँचेंगे ना जब, तब जाएंगे। और हमारे यहाँ पे ये होती है, इसको फुल लकड़ी बोलते हैं, और इसमें ना बहुत कांटे कांटे जैसे होते हैं, और ये बहुत चुभती है। और इसकी लकड़ी भी होती है हमारे यहाँ पे, मेन इसी की लकड़ी होती है, मतलब जो चूल्हा जलाने के लिए, मतलब बहुत है ये लकड़ी। आप देख सकते हैं कितना इसी के झाल है पूरे पूरे। और इसमें फूल भी लगते हैं, इसलिए इसको फूल लकड़ी बोलते हैं। इसके फूल कुछ ऐसे होते हैं। और अभी मैं और आंटी जी जा रहे हैं धार को। आंटी अभी आ रहे पीछे से, और मैंने पशु आगे भगा दिए है, मतलब भाग भी गए थे ये एक जगह पे रास्ते से, क्योंकि आज इनको पहली बार छोड़ा है इधर ऊपर को। जब मतलब बरसात के टाइम पे छोड़ते इनको, क्योंकि बहुत हरा हरा होता है उस टाइम नीचे चुगने को इनके लिए। तो इस बार इनको अभी छोड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम। वो रहा मेरा मायका, एक ही घर है यहाँ पे अलग सा, और पूरा जंगल है ऊपर को, और घर के नीचे सड़क है। वहाँ से आगे हम यहाँ से होते हुए ऊपर को और यहाँ तक। और ये हमारी छोटी सी गाय है, और ये हमारा स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ 8th तक। और ये हमारा मतलब प्रॉपर गांव है, जिसको हम गांव बोल सकते हैं इस साइड। और ये हमारे पशु है, अगर किसी को चाहिए हो एक दो तो संपर्क कर सकता है। बहुत पशु है यार यहाँ पे। ये है हमारी धार, और ये हमारे पशु इतने सारे, और इसमें सारा बहुत सारा कुछ खाने को है इनको। पे बिक गई है, इसमें काम लगा है यहाँ पे। और मैं आपको धार दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है हमारी धार का, और बिल्कुल हरा भरा है सारे में। और वो रही मेरी गाय, जितनी भी है आई हुई, जितनी भी लाई हूँ मैं। और नीचे वो सामने सड़क दिख रही है, वहाँ पे कुछ काम चला है। और ये देख सकते हो ऊपर सारा मौसम जो है वहाँ पे फॉगी फॉगी जैसा मौसम हो गया है। और ये आंटी जी के पशु है, मतलब जो मेरे चाची है उनके पशु है, और वो भी इधर गए हैं, उनके पशु इधर को भाग रहे थे तो उनको लाने गए देखो यहाँ पे। वो हमारे ग्राम देवता जी है, यहाँ पे नीचे जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे। मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा हो गया है, क्योंकि बारिश होगी अभी, अभी तो नहीं हुई है पर होने वाली है जैसा कि मौसम से पता लग रहा है। और मैं मतलब ऊपर से कोई शॉल वगैरह लेके नहीं आई हूँ, तो अब थोड़ी थोड़ी ठंड फील हो रही है। होते थे ना तो हम यहीं पे आते थे सारे, हमारे पशु हुआ करते थे। और छुट्टियों में जब भी जनवरी फरवरी में हमारे को छुट्टियाँ होती थी, तो हम यहाँ पे पशु चराने आते थे, और बुआ के बच्चे भी आते थे, बहुत मज़े आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे एक नाशपाती का पेड़ भी है, वहाँ से हम नाशपाती खाते थे। और हम पशु तो हमारे को पता नहीं होते थे कि कहाँ है, बट लास्ट में जब हमारे को घर जाना होता था तब ढूंढते थे, तब हमारे पशु कुछ भाग भी जाते थे और कुछ गुम हो जाते थे, तो खुद आते थे फिर लास्ट में घर। यादें जुड़ी है इस जगह से,
वहाँ पे हम लंबे लंबे लेट जाते थे ना, और गोल 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 करके नीचे तक पहुँचते थे। बहुत ही मज़े आते थे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें कांटे होते हैं ना पत्थर होते बीच में, तो बहुत मज़े आते हैं इसमें। खेलते रहते थे। नीचे एक जगह है जहाँ पे देखो ये प्लेन मतलब वो है मिट्टी मिट्टी जैसी, यहाँ पे हम कबड्डी भी खेलते थे। मतलब बहुत मज़े आते थे जब हम छोटे होते थे। होते नहीं जिनके पास बहुत सारी भेड़े भेड़े होती है, वो भी यहाँ पे आते हैं, मतलब जब उनका पता नहीं कब आते, वो याद नहीं है मुझे। और इस जगह पे वो अपने तंबू वगैरह लगाते हैं, और यहीं पे उनकी भेड़े वगैरह भी रहती है, और काफ़ी खाने को होता है उनके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना हरा भरा है यहाँ पे सारे में, ये सारी धार ही है। ये नहीं कि हमारे पशु आएंगे यहाँ पे, सभी मतलब गांव के जितने भी लोग हैं उनके पशु आ जा सकते हैं, आते हैं। वो नीचे देखो वहाँ पे भी लोग हैं, उनके पशु भी आए, तो मतलब पशु आपस में लड़ाई भी नहीं करते हैं, ऐसे रहते हैं एक ही जगह पे। सारी की सारी गाय अपनी फैमिली के साथ चुगने लगी होती है। और ये लालो लालो आज खुश होगी कि मेरे को पशु मेरे को ऊपर लाए चुगने के लिए, और इस वाली धार में नहीं जाने देना इनको, पर ये चल गया। अभी मैं इनको हटाने आई हूँ। ओए चला पीछे, चला एकदम पीछे, वो हट गई। अच्छा अच्छा चल लो, चल पीछे, चलो ऊपर, चलो ऊपर ले जानी है ये। चलो चलो ऊपर, चलो 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 चुटकी चुटकी एंड मुटकी ऊपर चलो, यहाँ नहीं। अरे भाई ओए कौन जा रहा है? हाँ यहाँ से चलो ना ऊपर, और ऊपर पहुंचना है तुमने भाई। चलो चलो पीछे नहीं हटना है। अभी तक बारिश नहीं आई है, अभी 10:30 होने वाले हैं, और हम ले जाएंगे इनको 11:30 बजे वापस घर। चलो हट, फिर चल चल चल। सुनती है ये गाय, बहुत अच्छी गाय है, कोई मारती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मारती है, और सुंदर भी है देखने को। अगर सच में किसी को चाहिए ना तो प्लीज़ सच में संपर्क करें, क्योंकि बहुत होगी यार। इनके बेबी है होने को, इसके भी है बेबी एक होने को, और उसके भी है वो सींग वाली है जो, और किसके पता नहीं, और भी है शायद एक के। चल चल, ये छुटकी बहुत खुश हो रही है कि आज तो मेरे को बहुत चुगने को मिल रहा है। वाह घर में ना ये वो तूड़ी ताड़ी खा के ना बोर हो जाते हैं बेचारे, और यहाँ पे इनको हरा हरा मिल रहा है। देखो खुशी देख रहे हो लड़की की, मज्जा आया इनके मज्जा। और इसको देखो छुटकी को, क्यूटी पाई है ना, क्यूट सुंदरी। और ये तो ना हम लोग को बहुत ज्यादा समझती, बहुत ही ज्यादा समझती है, हम लोग को बहुत सुंदर समझती है। ये है भी सुंदर वैसे। अरे पर मुंह ही नहीं दिखा रही है, मुंह दिखा दे, रुक रुक रुक। अरे लालो इसको तो आपने देखा ही होगा पहले, अब बारिश लग गई है, मेरे को पता था बारिश होगी होगी। हमारे पशु भी वहाँ बेचारे भीग रहे हैं, अभी ले जाएंगे इनको थोड़ी देर में घर। रोल्टू होते हैं, पिंक पिंक होते हैं, और मतलब बहुत टेस्टी होते हैं ये खाने को। और वो नीचे इसमें भी काले काले कंडेले होते हैं, इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, और हम इसको भी बहुत खाते थे। धार में बहुत कुछ मिल जाता था हमारे को खाने को।
अभी हमारे पशु भी भीग गया, हम घर जा रहे हैं बस। और क्योंकि मैं भी बहुत भीग गई हूँ, देखो सारा मतलब बहुत बारिश आई एकदम से, और अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे डैम है जहाँ पे हम पशु को पानी पिलाने लाते हैं, और अभी देखो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और इन्होंने अभी इनका पीने का मन नहीं है, और अभी हम इनको घर ही ले जाएंगे। अब खुद तो ना ये कुछ नहीं, इनको खाने को मिल रहा है और हम भीग रहे हैं यहाँ पे। चलो